आज हम बनाएंगे कद्दू का साग जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो हमने यहाँ पे आधा केजी कद्दू का साग ले लिया है और अब इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट ये मूछ वाला है इसको हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से निकाल रहे हैं और इसी तरीके से इसको निकाल लेना है। तो हमने दो को साफ कर लिया है निकाल के और बाकी का भी हम साफ कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी को अच्छे से साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना ये बेकार का पार्ट निकला है। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो लीजिए हमने साग को कट कर लिया है और अब इसको हम धो लेंगे। तो हमने इसे दो पानी अच्छे से धो लिया है और अब हम साग में डालने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक चम्मच साबुत जीरा और ये है 20 से 25 कली लहसुन, 3 लाल सूखी मिर्च और ये हो गई एक चम्मच राई यानी पीली वाली सरसों और ये हो गई थोड़ी सी गोल काली मिर्च और ये है 3 छोटी इलायची, हरी वाली इलायची। तो इन सभी चीज़ों को हम सिलवट पे पीस लेते हैं। तो लीजिए मसाला हमने पीस लिया है और अब इसमें हमने मिला लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमने गरम मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं लेकिन स्वाद इसी से बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है और इसमें हमने डाल लिया है 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल और ये हो गया 1/4 चम्मच मेथी का तड़का। तो तड़का हमारा भुन चुका है और अब इसमें हम पिसी हुई मसाले को डाल देंगे और मसाले को हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। जब तक मसाला तेल छोड़ने ना लगे तब तक इसको भूनना है। तो लीजिए मसाला हमारा भुन चुका है आप देख सकते हैं और ये तेल छोड़ने लगा है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पानी, बस इतना इसमें पानी डालना है और पानी इसमें नहीं डालना है। मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे साग को और इसको डाल के हम अच्छे से चला लेंगे, मिला देंगे। तो मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी छोड़ने लगा है अभी से। तो हमने साग को अच्छे से मिला दिया है और अब इसको हम ढक देंगे और ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना पानी छोड़ चुका है। तो फिर से एक बार इसको हम अच्छे से चला देंगे और फिर से इसको हम ढक के पका लेंगे। तो लीजिए साग हमारा बनके रेडी हो चुका है और अब इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो इस साग को आप रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।